नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स की तैयारी के अंतर्गत एक टॉपिक है घन और घनाभ। अब घन और घनाभ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, दो नंबर में जरूर प्रश्न आता है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। घन और घनाभ का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपको हम हल करके दिखाएंगे। और लास्ट में एक विशेष प्रश्न पूछा है, आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो उस प्रश्न का जवाब आप खुद से हमें करके बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे और मैं देखूंगा कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ओके दोस्तों, तो चलिए घन और घनाभ को शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि घन और घनाभ होता क्या है। घन ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, लेकिन जो घनाभ होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप की हो सकती हैं। अगर बात करें कि घन और घनाभ के उदाहरण की, तो घन का जो उदाहरण है वो है, मान चलिए पासा। आपने देखा होगा पासा की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों बराबर होती हैं, और आपने देखा होगा कलर क्यूब, कलर क्यूब में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। और घनाभ का अगर उदाहरण लें तो जैसे माचिस होती है, आपने देखा होगा लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, ये है घनाभ का उदाहरण। आपने अपना कमरा देखा होगा, कमरे की भी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तीनों में डिफरेंस होता है घनाभ में। ये आप याद रखिएगा, जो घनाभ होता है उसमें सारी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप की होती हैं, और जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर माप की होती हैं। अब बात करते हैं फलक की, कोर की और शीर्ष की। तो जो घन और घनाभ, दोनों में फलक बराबर होते हैं, कोर बराबर होते हैं, शीर्ष बराबर होते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण करके बताते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं जो इसका फलक है, फलक आप देखेंगे ये है आपका ऊपर वाला घन और नीचे वाला है घनाभ। तो आप देखेंगे फलक जो है इसमें भी छह हैं, घन में भी देखिए एक ये है, ऊपर दो, तीन, ये इधर चार और ये इधर पाँच, और एक ये नीचे की तरफ हो जाएगा छह। तो घन में आपने देखा फलक छह हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आमने सामने, इस तरह आपने देखा छह फलक हैं। और सेम टू सेम फलक घनाभ में भी होते हैं, घनाभ में भी छह फलक और घन में भी छह फलक। अब बात करें कोर की, ये जो आपकी लाइंस होती हैं, ये वाली, ये आप कभी भी माचिस उठा के देखिएगा या अपना कमरा उठा के देखिएगा, ये जितनी ये लाइंस होती हैं इनको कहते हैं कोर, ठीक है। अब ये कोर अगर आप गिनने बैठेंगे तो ये कुल होती हैं 12। आप गिन सकते हैं, आप अपनी माचिस ले लीजिए और माचिस के कोर गिन लीजिए, वो घनाभ होता है, घनाभ का उदाहरण है माचिस। तो उसमें अगर आप गिनेंगे कोर, कोर आपकी होंगी 12। अब बात करें शीर्ष की, सब कुछ ध्यान से सुने, पलक हो गई 6 और कोर हो गए 12। अब शीर्ष देखें, शीर्ष कितने होते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, पाँच, छ और ये 7 और ये आपकी ऊपर वाली हो गई 8। कुल मिलाकर 8 शीर्ष होती है, ये मैंने आपको अच्छे समझा दिया। फलक हैं 6, कोर हैं 12 और शीर्ष हैं 8। इस तरह आप समझ गए, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों में फलक 6 होंगे, कोर 12 होंगे और शीर्ष 8 होंगे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्नों में इस्तेमाल होता है इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए, एक मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन जब बात होगी एक वर्ग मीटर में, एक वर्ग मीटर, वर्ग कैसे बनता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते थे तभी तो वर्ग बनता है। तो एक गुणे एक हमने किया तो हमें मिल गया एक वर्ग मीटर, लेकिन हम एक वर्ग मीटर को क्या लिखते हैं, एक गुणे एक बराबर होता है एक वर्ग मीटर। तो यहां पर एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। जब एक मीटर को दो बार गुणा कर रहे हैं तो हम सेंटीमीटर को भी दो बार गुणा करेंगे। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सीधा अगर ये पूछ दे कि एक वर्ग मीटर बराबर कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो आप 100 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहीं पर बात आएगी कि एक घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, तो उसी तरह घन में हम तीन बार गुणा करते हैं, एक गुणे एक गुणे एक करेंगे तब एक घन मीटर आया। उसी तरह हम यहां पर जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट
कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 × 100 × 100 तीन बार इसका भी गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 लाख घन सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, एक घन मीटर में 10 लाख घन सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आयतन की तरफ। जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है आपका a × a × a, मतलब a क्यूब। यहां पर a क्या है, a घन की भुजा है। देखिए a × a × a क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है घन में, ठीक है। अब बात आएगी घनाभ की, तो घनाभ में क्या इसका आयतन होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि इसमें सारी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए तीनों को गुणा किया गया। तीनों को गुणा करना है घन में भी, लेकिन घन में क्या है, तीनों बराबर हैं, तो सीधा a × a × a कर दिया, तो आपका आ गया a क्यूब। जब भी घन का आयतन पूछेगा तो आप a क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, a भुजा होता है, भुजा की वैल्यू a में रख दीजिए और तीन का गुणा कर दीजिए, तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा आयतन में। बढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठ की तरफ। अब जो घन का एक फलक का संपूर्ण, जो एक फलक का क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने बताया फलक कितने होते, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने 6 फलक होते हैं, तो एक फलक का क्षेत्रफल होता है a × a। चूंकि दोनों बराबर होती हैं, आपकी जो अगर लंबाई चौड़ाई वाला ले लें तो लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, अगर चौड़ाई ऊंचाई वाला ले लें तो चौड़ाई भी a है ऊंचाई भी है, तो यहां पर a × a एक फलक का क्षेत्रफल। लेकिन कुल फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले तो ये आपका आएगा 6a² जैसे यहां आप देख सकते हैं a × a है, तो ये हो जाएगा a² और यहां पर ये हो जाएगा 6a² याद रखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6a². बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो घनाभ का आप देख लीजिए, घनाभ का होगा 2 लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, इनको प्लस कर दीजिए सबको और 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए जरा, इसका जो फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब आते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप ये देख, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेंगे, लंबाई को चौड़ाई में जोड़ देंगे और 2 से गुणा करेंगे और ऊंचाई से गुणा करेंगे, मतलब 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। यह आपके पास दे रखा हो परिमाप, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हमें परिमाप दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो इससे भी हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, परिमाप गुणे ऊंचाई कर देंगे और आपके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो परिमाप का फार्मूला होता है वो यही होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई। यहाँ पर ऊंचाई अगर गुणा कर रहे हैं तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर कमरे के परिमाप की बात करें तो 2 लंबाई + चौड़ाई, किसी भी आयताकार आकृति की जब हम परिमाप निकालते हैं तो वहां पर हम फार्मूला लगाते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई + चौड़ाई। उम्मीद करता हूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। तो यहां पर जो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का आयतन आपको मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहां पर लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सबकी आप इकाई देख लीजिए, इसमें सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 10 × 8 × 5 ये आपका आ जाएगा 400 और सेंटीमीटर है, तो जब आंसर आएगा आयतन का तो आएगा 400 घन सेंटीमीटर। घन जरूर लगाइएगा, क्योंकि घन नहीं लगाएंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो 400 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। अगला जो प्रश्न है, लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 0.007 मीटर। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर मीटर दे रखा है और बाकी जो राशियां हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर 0.007 मीटर कितना होगा, 100 से आप अगर गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे आप 0.007 को, तो आपका आएगा 0.7 सेंटीमीटर, तो हमें ये मिल गया 0.7 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 × 12 × 0.7, ठीक है। अब इसको आप जब, तो आएगा 117.6
घन सेंटीमीटर। तो ये आप समझ गए, इसको लास्ट को जो इसका आयतन है तो उसमें घन लगाना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या दो, नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन आपको मालूम है ए क्यूब होता है, मतलब भुजा का क्यूब। तो यहां पर देखिए भुजा दे रखी है 0.15 मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 × 0.15 × 0.15, तो इसका जो उत्तर आएगा 0.003375 और लगाएंगे घन मीटर। घन मीटर लगाना बहुत जरूरी, ये आपको मालूम होना चाहिए। आयतन का जब आंसर आएगा तो उसमें घन मीटर जरूर लगेगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं भुजा का सेकंड है 1.2 डेसीमीटर है। तो यहां पर डेसीमीटर जो उत्तर आएगा वो आएगा घन डेसीमीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 × 1.2 × 1.2। इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का तो आएगा 1.728 घन डेसीमीटर। ये याद रखिएगा घन डेसीमीटर लगाना जरूरी है। अगला है भुजा है 0.02 डेकामीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन बार तो 0.02 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा उत्तर 0.00008 घन डेकामीटर। इसका ये उत्तर आएगा, यहाँ पर घन डेकामीटर लगाना बहुत जरूरी है। आप इसको अपनी कॉपी में भी सॉल्व करके जरूर देखिए। अगला जो प्रश्न है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 450 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 डेसीमीटर है, तो उस कमरे में कितने घन मीटर हवा है। अब आप यहां देखेंगे यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, यहां डेसीमीटर है, तो अब क्या करेंगे, तीनों की राशियां अलग है, तीनों की इकाई अलग है, तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि उत्तर हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है घन मीटर पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी राशियों को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए लंबाई तो पहले से ही मीटर में है, चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 450 जो सेंटीमीटर है इसको मीटर बनाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। अब 35 डेसीमीटर है तो 35 डेसीमीटर को हमें मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा। क्यों भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो जब हम डेसीमीटर निकाल रहे हैं, डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 10 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर हम भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 4.5, यहां आ जाएगा 3.5। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 × 4.5 × 3.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा 7875 मीटर, मतलब 78.75 घन मीटर। इसका ये उत्तर आ जाएगा 78.75 घन मीटर कमरे में हवा भरी जा सकती है। अगला जो प्रश्न है दो घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसके आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखते हैं कि पहली जो घन है उसकी 3 भुजा है और बीच में लगा देते हैं अनुपात, और दूसरा है 9 सेंटीमीटर एक किसी की भुजा है। दो हैं घन, एक की है 3 सेंटीमीटर भुजा, एक की है 9 सेंटीमीटर, और पूछ रहा आयतन का अनुपात बताइए। तो आयतन क्या होता है ए क्यूब होता है, मतलब तीनों को गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे 3 × 3 × 3, और यहाँ पर जो दूसरा क्यूब है जो दूसरा घन है उसको क्या करेंगे उसका भी गुणा कर देंगे। ये अब इन दोनों का आयतन आ गया, इधर दे रखा है एक का आयतन और दूसरा का इधर आयतन दे रखा है। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास इसका वो अनुपात निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो ये 9 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1:3 = 9, 1:27। इसका जो सही उत्तर आएगा 1:27 आएगा। दो घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इनके आयतन का अनुपात आएगा 1:27। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे संबंधित कोई आपकी समस्या या सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का विशेष प्रश्न है एक घन की प्रत्येक कोर 5 मीटर है, इस घन का आयतन बताइए। तो कोर और भुजा, घन की बात कर रहा हूं, कोर और भुजा सब बराबर होते हैं, याद रखिएगा। अब इसका उत्तर क्या होगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।